हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलाई डायरी। आज इस वीडियो में हम आपको मशीन की पार्ट्स खोल करके फुल सफाई करना बताएंगे। अगर आपकी मशीन से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, या फिर सिलाई छोड़ छोड़ के आ रही है, या फिर बार बार धागा टूट रहा है, तो सबका प्रॉब्लम है कि मशीन में आपको डस्ट हो गया है। अगर आप उसको ओपन करके क्लीन कर दोगे तो आपका सिलाई सही आने लगेगा। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपके पास मशीन है, अगर उसमें बहुत आवाज़ आ रही है, तो आपको मैकेनिक के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही ओपन करके उसको सफाई कर सकते हो। मशीन में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, सिर्फ इसका यही अगर डस्ट है तब प्रॉब्लम हो जाएगी। या तो सुई का प्रॉब्लम, या तो प्रेशर फुट का प्रॉब्लम, या तो टेंशन का। और बॉबिन अगर सही नहीं है तब भी वही सिलाई थोड़ा सही नहीं आएगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए सब कहते हैं हमारी नानी दादी की मशीन अभी तक हमारे पास है, क्योंकि मशीन में ज़्यादा खराब होने का कुछ है नहीं। अगर आपको थोड़ा भी टेक्निकल ज्ञान है मशीन के बारे में, तो आपकी मशीन अच्छे से चलेगी। लिए सफाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो ये पुराना ब्रश है, वो आप ले सकते हो। स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं, ये छोटा स्क्रू ड्राइवर है। इसका अगर हम फीड डॉग खोल रहे हैं, दांत खोल रहे हैं, तो उसके लिए, और ये बड़ा स्क्रू ड्राइवर, ये दोनों स्क्रू के लिए। और एक ही हम लोग छोटा सा बर्तन ले लिए, ये स्क्रू जो खोलेंगे वापस इसी में रखेंगे ताकि स्क्रू गुम नहीं होना चाहिए। और एक ऑयल का बॉटल ले लिए हैं। तो इतने ही सहायता से हमें मशीन को क्लीन करेंगे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे इसका स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपकी मशीन में अगर धागा है, तो आप ये धागा पहले निकाल दीजिए। यहाँ का भी आप निकाल दीजिए, और नीचे अगर बॉबिन में धागा है तो उसको भी आप निकाल दीजिए। इस स्लाइड प्लेट ऐसे खिसका के, ये स्लाइड प्लेट ऐसे खिसका के, अगर बॉबिन है नीचे तो इसको भी निकाल दीजिए। ये निकालने के बाद अब आप स्क्रू ड्राइवर लीजिए। और इस अगर आप एकदम नए हो अभी, तो आपको जब भी आप मशीन की सफाई करो, तो आपको ये मशीन की सुई भी ओपन करके निकालना रहता है। नहीं तो अगर मशीन चल जाएगी तो सुई टूटने का चांस है, तो ये सुई भी निकाल देंगे। अब हम ये दो जो स्क्रू है इसको हम खोलेंगे। देखिए, पहले ये दो स्क्रू खोलेंगे। ये डबल मशीन है तो इसकी सफाई करना और आसान है। इसको ओपन कर देंगे, इसको भी ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद ये स्क्रू है, इसको हम इसमें ऐसे रखते हुए जाएंगे, इसमें ऐसे रखते हुए जाएंगे ताकि गुम नहीं होना। अगर कोई स्क्रू मिस हो गया तो फिर आपके सेटिंग करने में मुश्किल होगी। इसको हटा देंगे। अब ये जो है, ये देखिए, ये दो स्क्रू सिर्फ निकाले तो ये बाहर आ गए। तो आप सबसे पहले हम इसको सफाई कर लेंगे। ये जो वेस्ट कपड़ा रखे हैं इसको अच्छे से सफाई कर दें। अब ये दांत वाला हिस्सा है, इसको भी आप अच्छे से सफाई कीजिए। आप इसको डस्ट है अगर आपको लग रहा है इसमें, तो आप ऐसे एक सुई की सहायता से इसका यहाँ दांत यहाँ भी डस्ट निकाल दीजिए, और दोबारा फिर से ब्रश में लगा दीजिए इसे अच्छे से। हाँ, चाहे तो ये दांत, ये दोनों स्क्रू ओपन करके आप ये दांत निकाल के भी आप सफाई कर सकते हो। वैसे ये डबल मशीन में दांत निकालने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा आपको लग रहा है इसमें डस्ट है, तभी आप इसको ओपन कीजिए, नहीं तो ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ इसमें धागा फंसा है, धागा फंसा। निकालने के बाद ये मशीन थोड़ा क्लीन हो जाएगा।
क्लीन करने के बाद अब आप मशीन को पलट दीजिए ऐसे, पलट करके यहां भी आप अच्छे से ब्रश से साफ कर लीजिए और पूरी मशीन को भी आप अच्छे से साफ कर दीजिए। ये हमारी मशीन अभी थोड़े दिन पहले साफ हुई है इसलिए क्लीन है, अगर आप 1 महीना 15 दिन नहीं साफ करोगे तो बहुत ज्यादा डस्ट इसमें से आएगा। अगर आप रेगुलर सिलाई कर रहे हो, अगर रेगुलर नहीं भी सिलाई कर रहे हो तब भी डस्ट होगा क्योंकि मशीन में ऑयलिंग करते हैं तो ये डस्ट बहुत ज्यादा कैच कर लेती है, तो इसीलिए आपको सफाई करते रहना है। आप एक नियम बनाइए कि आपको संडे संडे मशीन की सफाई करना ही है। तो यहाँ क्लीन करने के बाद फिर आप इसको मशीन को वापस बैठा दीजिए। बैठाने के बाद अब हम इसको वापस से कर लेंगे। सबसे पहले ये जो है इसको लगाएंगे, इसको निडिल प्लेट बोलते हैं। जैसे आप निकाले तो देखिए दो होल है, दोनों होल में इसको एडजस्ट करते हुए अच्छे से हाथ से एक दो बार इसको घुमा लीजिए। घुमाने के बाद अब स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको टाइट कर लीजिए, और ये टाइट करने के समय आप याद रखिए कि ऐसा नहीं कि ये फुल टाइट करने के बाद फिर दूसरा टाइट कीजिए, फिर ये तिरछा होने का चांस रहे। अब थोड़ा थोड़ा करके टाइट कीजिए, पहले दोनों को थोड़ा थोड़ा कीजिए फिर परफेक्ट करिए। देखिए इतना टाइट होने के बाद अब इसको आप फुल टाइट कीजिए। टाइट। अब आप एक बार मशीन चला के चेक कर सकते हो कि हमारी सही चल रही है कि नहीं। देखिए ये मशीन परफेक्ट चल रही है। तो अब हम वापस जो सुई निकाले थे वो सुई लगाएंगे, और इसमें सुई लगाने का क्या तरीका है, ये जो है ये डबल मशीन है तो इसमें जो है ये सुई जो इसकी होती है ये फुल राउंड होती है, तब भी इसमें सुई लगाने का क्या तरीका है आप देखिए। ये सुई में एक साइड ही ऐसे खांचा बना है, नाली बना है, तो जो ये नाली वाला हिस्सा है वो आपको बाहर साइड आना चाहिए ऐसे। तो आप इसको ऊपर फुल ऊपर कीजिए मशीन का ये निडिल बार, और इसको ओपन करके फिर अच्छे से ऊपर करिए जितना ऊपर जा रहा है। जाने के बाद अब आप इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए। सुई लगाने के बाद आप एक बार ऐसे एक बार हाथ से चला के दिखा देख लेना मोटर के बजाय, अगर परफेक्ट लगा है तो कहीं से आवाज नहीं आएगी, अगर परफेक्ट नहीं लगा है तो यहाँ से आवाज आने लगेगी। फिर उसके बाद आप ऑयलिंग कर दीजिए। ऑयलिंग आप यहाँ 2 बूंद डाल दीजिए, बहुत ज्यादा मशीन में ऑयल डालना है पर बहुत ज्यादा नहीं ऑयल डालना है, नहीं तो ऑयल ही वेस्ट होगा। और फिर यहाँ प्रेशर फुट बार, निडिल बार, और आपको मशीन के लिए सब जगह ऐसे जहां जहां ऑयलिंग की जरूरत है वहां आप ऑयलिंग कर दीजिए। और ऑयलिंग करने के बाद जब आप मशीन पे सिलाई करने जाओगे तो आप सबसे पहले वेस्ट कपड़े पे सिलाई कीजिए। पुराने वेस्ट कपड़े पे सिलाई करने के बाद फिर आप मेन कपड़े पे सिलाई करोगे तो कभी भी आपका जो ऑयल है वो आपके कपड़े मेन कपड़े पे नहीं लगेगा। जब तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच।